एक टाइम था जब लोगों से किसी न किसी तरह से उनका एटीएम पिन या ओटीपी पूछकर उनके साथ फ्रॉड किया जाता था, जिसके ऊपर नेटफ्लिक्स पर मौजूद वेब सीरीज जामतारा बन चुकी है। पर जैसा कि हम जानते हैं, समय के साथ साथ सभी चीजें अपडेट होती जाती है। इसी तर्ज पर स्कैमर्स भी हर बार एक नया फॉर्मूला लेकर आते हैं। अब तो वो ऐसी ट्रिक यूज कर रहे हैं कि लोग खुद अपनी मर्जी से पैसा उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। हो सकता है आप अभी इसके शिकार नहीं हुए, पर ये स्कैम आपसे ज्यादा दूर नहीं है। इसके लिए मैं आपको चार ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा जिनसे ये समझ आएगा कि एक आम आदमी के लिए ये स्कैम कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, और उसके बाद इन स्कैम की पहचान करने और उनसे बचने के तरीके भी बताऊंगा, ताकि अगला नंबर आपका ना हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट पर काफी ट्रेंड कर रहा है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आर वार्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन दिनों साइबर फ्रॉड जिनमें एआई का यूज हो रहा है, डीप फेक टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस कॉल, एआई टूल्स की मदद से वॉइस क्लोनिंग करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण, और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है। केस वन, 5 फरवरी 2024 को साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में एक खबर निकल कर आती है कि चाइना हांगकांग की एक इंटरनेशनल कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक एम्प्लॉई रोज शाम की तरह अपने घर पर किसी काम में बिजी था। तभी उसके पास उसी कंपनी के एक CFO यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर का एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल आता है, जिसमे उसके साथ काम करने वाले सभी एम्प्लॉई कॉल पर पहले से मौजूद थे। कुछ देर की बातचीत के बाद CFO कॉल पर एम्प्लॉई को $200 यानी करीब $213 रुपए 15 अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करने के लिए कहता है। इतनी बड़ी रकम सुनकर एम्प्लॉय को शक होता है, पर ना सिर्फ CFO बल्कि सभी एम्प्लॉयज जो कॉन्फ्रेंस कॉल पर थे वो ना सिर्फ असली दिख रहे थे बल्कि उनकी आवाज भी एकदम असली लग रही थी। इसी वजह से डाउट की कोई वजह नहीं बची, इसलिए वो एम्प्लॉय ये रकम 15 अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देता है। पर अगले ही दिन एम्प्लॉय जब ऑफिस पहुंचता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। पता चलता है कि उसके साथ करीब 200 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो चुका है। केस टू, 9 जुलाई 2023 को सुबह करीब 5:45 पर केरल में कोझिकोड के रहने वाले 73 साल के PS राधाकृष्णन को एक अनजान नंबर से कॉल आता है, परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड PS राधाकृष्णन अनजान नंबर के फ्रॉड से पूरी तरह से वाकिफ थे, इसलिए हमेशा की तरह उस कॉल को इग्नोर कर देते हैं। परंतु फोन काटने के बाद उनके पास व्हाट्सएप पर एक के बाद एक कई मैसेज आने लगे। कृष्णन ने जब प्रोफाइल पिक्चर देखी तो वो उनका पुराना दोस्त वेणु कुमार था, जो कभी कोल इंडिया लिमिटेड में उनके साथ काम करता था। ये वही कोल इंडिया लिमिटेड थी जिसके ऊपर हमने मिशन रानीगंज के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाई थी। इस वीडियो में हमने बताया है कि कैसे एक अकेला इंसान कोयला खदान में फंसे इंसानों को निकाल कर लाता है। आप चाहें तो इस वीडियो के बाद में जाकर देख सकते हैं। मैसेज में वेणु कुमार राधा कृष्णन की बेटी के बारे में भी पूछता है, और साथ ही साथ अपनी पुरानी फैमिली फोटो भी शेयर करता है। और बातों ही बातों में वेणु कुमार कृष्णन को ये भी बताता है कि वो इस समय दुबई एयरपोर्ट पर है और इंडिया आने के लिए फ्लाइट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी की हॉस्पिटल में इमरजेंसी सर्जरी होनी है, जिसके लिए उसको ₹40,000 एडवांस जमा करवाने हैं। परंतु जैसा कि आपको पहले भी बताया कि राधाकृष्णन ऑनलाइन स्कैम से पहले से वाकिफ थे, अनजान नंबर पर वो इतनी बड़ी रकम भेजने में आनाकानी करने लगे। परंतु वेणु कुमार तुरंत वीडियो कॉल करता है। राधाकृष्णन देखते हैं कि वेणु कुमार ना सिर्फ देखने में असली है बल्कि उसकी इंग्लिश लैंग्वेज और साउथ इंडियन एक्सेंट भी सेम था। जब डाउट की कोई गुंजाइश नहीं रही तो राधाकृष्णन उसको तुरंत ₹40,000 ट्रांसफर कर देते हैं। परंतु थोड़ी देर में वेणु कुमार का वापस कॉल आता है। इस बार वो ₹35,000 की और डिमांड करता है, लेकिन राधाकृष्णन को इस बार फिर से डाउट हुआ और वो उस नंबर पर कॉल करते हैं जो उनके पास वेणु कुमार के नाम से पहले से सेव था। और बात करने पर राधाकृष्णन का एक हकीकत से सामना होता है कि वो भारत की पहली डीप फेक टेक्नोलॉजी का शिकार हो चुके हैं। केस थ्री, 20 जनवरी 2023 को USA के एरिजोना में जेनिफर डी स्टेफनो की बेटी ब्रियाना आइस स्कीइंग के लिए गई हुई थी। शाम को करीब 5 बजे जेनिफर के पास में एक ऑडियो कॉल आता है। जैसे ही जेनिफर ने कॉल रिसीव किया, सामने से उसकी बेटी ब्रियाना चीख चिल्ला रही थी और अपनी माँ से बचाने के लिए गुहार लगा रही थी। तभी किडनैपर बीच में फोन ले लेता है और जेनिफर से बिना पुलिस को बताए जल्दी से जल्दी $1,000,000 का इंतजाम करने के लिए कहता है, वरना उसकी बेटी के पेट में ड्रग्स भरकर मेक्सिको में छोड़ देने की धमकी देता है। ये सुनते जेनिफर को एकदम सदमा लगता है। जल्दबाजी में जेनिफर ब्रियाना के फोन पर कई बार कॉल करती है, पर उसका कॉल नहीं लगता। और इधर इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना जेनिफर के लिए नामुमकिन था, इसलिए जेनिफर पुलिस से कॉन्टेक्ट करती है। मामला पुलिस में जाते ही पुलिस तुरंत हरकत में आती है और कुछ घंटों की मशक्कत के बाद पता लगता है कि ब्रियाना तो कभी किडनैप हुई ही नहीं थी बल्कि वो उसकी डीप फेक वॉइस थी।
22 अक्टूबर 2023 की दोपहर गाजियाबाद के कविनगर के रहने वाले करीब 74 साल के अरविंद शर्मा फुर्सत के समय अपने फोन को लेकर बिजी थे। तभी अचानक एक वीडियो कॉल आती है। बिल्कुल अनजान लड़की की प्रोफाइल पिक्चर देखकर अरविंद शर्मा में एकदम क्यूरियोसिटी जागती है कि आखिर ये है कौन। इसी हड़बड़ाहट में वो फोन रिसीव कर लेते हैं और यही वो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। कॉल रिसीव करते ही सामने एक लड़की थी। घबराकर अरविंद कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। थोड़ी देर में एक वीडियो कॉल फिर से आता है, पर इस बार कोई अलग ही नंबर था। जैसे ही अरविंद ने कॉल रिसीव किया, सामने थे यूपी के एडीजी प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश अरविंद पर लड़कियों से चैट करने का आरोप लगाते हैं, उस पर केस लगाने की धमकी देते हैं। अपनी बदनामी के डर से घबराकर अरविंद उस केस को वहीं खत्म करने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। इस पर एडीजी प्रेम प्रकाश उससे पैसों की डिमांड करते हैं। डरकर अरविंद कुछ किस्तों में 74,000 रुपए की रकम ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन प्रेम प्रकाश फिर से पैसों की डिमांड करने लगे। पैसों की कमी और बार बार की डिमांड से परेशान अरविंद सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी ये बात उनकी बेटी मोनिका शर्मा को पता चलती है और वो एडीजी प्रेम प्रकाश से खुद बात करती है। चेहरा तो तुम्हें दिखाएंगे, अभी तुम्हारा चेहरा लाइव रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर सर। इतना भी रिकॉर्ड कर लो, आपको मैं उधर ही अक्सर बात करती हूँ। सर आप पैसे मांग रहे हो, आप पैसे मांग रहे हो ना इनसे? नहीं कोई बात नहीं सर, आप किस लिए किस लहजे में उठवा रहे हैं आप इन्हें? कोई बात नहीं, आप उठवा रहे हैं, आप द्वारका थाने से बात कर रहे हैं। शक होने पर वो ये मामला पुलिस में लेके जाती है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करने पर पता लगता है कि एडीजी प्रेम प्रकाश तो 2022 में ही रिटायर हो चुके थे। वीडियो की जांच करने पर पता चलता है कि ये भी एक डीप फेक वीडियो कॉल स्कैम था। इंटरनेट पर जब भी हम कुछ देखते हैं या सुनते हैं तो उस पर यकीन करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अभी जो स्कैम बताए उन्हीं की तरह कई और भी ऐसे केस हैं जिनकी वजह से देश विदेश की राजनीति में कई बड़ी बड़ी घटनाएं घटी या घटते घटते बची। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के 3 हफ्तों बाद ही जेलेंस्की का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें जेलेंस्की अपने सैनिकों को रशिया के आगे सरेंडर करने की कह रहे थे, परंतु बिना समय गवाए जेलेंस्की सामने आए और इस वीडियो को एकदम झूठा बताया। अक्टूबर 2023 में स्लोवाकिया में वोटिंग से महज 48 घंटे पहले एक पोजिशन लीडर की आवाज में फेक एआई ऑडियो सामने आई। इसके कारण चुनाव में रूस सपोर्टर कैंडिडेट को फायदा पहुंचा। ऐसा ही एक ऑडियो फरवरी 2024 में पाकिस्तान में भी सामने आया। एक कैंडिडेट के असली वीडियो में नकली आवाज जुड़ी हुई थी, जिसमें वो वोटर्स से जनरल इलेक्शन का बहिष्कार करने के लिए कहता है। अफ्रीका की एक कंट्री गैबोन के प्रेसिडेंट अली बोंगो की एक डीप फेक वीडियो भी सामने आई, जिसकी वजह से वहां के मिलिट्री ने अली बोंगो को प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाकर पूरी पावर हाथ में ले ली थी और अली बोंगो की सरकार गिरते गिरते बची। जनवरी 2024 में न्यू हैम्पशायर प्राइमरी इलेक्शन के कुछ ही समय पहले सभी डेमोक्रेट्स वोटर्स के पास एक कॉल आती है, जिसमें जो बाइडेन कहते हैं कि सभी डेमोक्रेट्स अपने घर पर रहें, कोई भी वोट ना डालें, जिसे डेमोक्रेट्स में सनसनी फैल गई। जब मामला खुला तो समझ में आया कि वो सिर्फ एक रोबो कॉल था, सिर्फ एक रोबो कॉल। इसके अलावा भारत में कई सेलिब्रिटीज भी इस डीप फेक टेक्नोलॉजी का शिकार हुए हैं, जिनमें अक्षय कुमार, आमिर खान, रणवीर सिंह, रश्मिका मंदाना, आलिया भट्ट, काजोल, रतन टाटा और यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। कोई भी बदले की भावना से इसका यूज कर सकता है, या फिर कोई बाप बनकर बेटे से, एक माँ बनकर बेटी से, एक पड़ोसी बनकर पड़ोसी से, या फिर जैसा कि आपने पिछले केस में भी देखा, एक किडनैपर बनकर उसके पेरेंट्स से पैसों की डिमांड भी कर सकता है। इसके अलावा भी जॉन अब्राहम 4 दिन में बॉडी बनाने वाला बोतल बेचते हुए आपको दिख सकता है। कोई भी बॉलीवुड हीरो पर्टिकुलर किसी एक राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट करते हुए दिख सकता है, और ये सब मुमकिन है इस एआई डीप फेक टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ सेलिब्रिटीज के साथ ही हो सकता है तो आप गलत है। ये टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती होती जा रही है कि एक दिन आपका अपना बच्चा भी फेक प्रिंसिपल बनकर स्कूल की छुट्टी रख सकता है, क्योंकि सस्ती होने के कारण जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ज्यादा हाथों में पहुंचती जाएगी इसके शिकार भी बढ़ते जाएंगे। अभी तक तो इसका ज्यादातर यूज बड़ी इंडस्ट्री के लिए होता आया था। इसके अलावा डिजिटल अवतार इंडस्ट्री ने भी हमें एक नया हाइब्रिड नकली मॉडल दिया है, जिसमें कुछ एआई स्टार्टअप ने डिजिटल एक्टर या न्यूज एंकर बनाए हैं, क्योंकि रियल लोगों के मुकाबले इन अवतार की वीडियो में इनके होंठ बेहतर ढंग से सिंक होते हैं। साल 2014 में INJ गुडफेलो ने अपने एक आर्टिकल जनरेटिव एडवर्सियल नेट्स में एआई टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को अलर्ट किया था, परंतु सबने इसको इग्नोर किया, क्योंकि 2012 से 2017 तक इस टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से हो रहा था। 2017 में कुछ एआई यूजर्स ने कुछ हॉलीवुड एक्ट्रेस के फेस को फोन वीडियो में लगाकर वेबसाइट पर अपलोड करने लगे। 2023 में ही स्टेट ऑफ डीप फेक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2023 तक पोर्न के अंदर डीप फेक का यूज 550% तक यूज होने लगा है। इंटरनेट पर डीप फेक कंटेंट का एक बड़ा हिस्सा पॉलिटिकल या पर्सनल दुश्मनी से इंस्पायर है, तो दूसरा बड़ा हिस्सा मिसोगिनी यानी नारी द्वेष से इंस्पायर है, जिसमें किसी लड़की या महिला की नकली पिक्चर, ऑडियो या वीडियो बनाकर इंसल्ट करना भी हो सकता है, खासकर लेडी रिपोर्टर पर भी अटैक करने के लिए इसी स्ट्रेटजी का यूज होता है। चुनाव के 48 घंटे पहले डीप फेक सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जब सभी एडवर्टाइजिंग कैंपेन पर
रोक लग चुकी होती है और तब तक किसी रिपोर्टर या कैंडिडेट के पास उसकी जांच या खंडन करने के लिए ना तो समय होता है और ना ही वो इसके लिए तैयार होते हैं। इससे एक अच्छे खासे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा सकती है। इसको लेकर इंडिया टुडे ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें वो इस बात को कबूल करते हैं कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा फैलाने की सर्विस देते हैं जिसमें वो लाखों रुपए लेकर जैसे चाहे मर्जी वीडियो HD क्वालिटी में बनाकर दे सकते हैं। इस शर्मनाक कारोबार में भारत 6 नंबर पर आता है और इसके सबसे ज्यादा यूजर भी भारत में ही है। मतलब वो दिन दूर नहीं जब आपके द्वारा अपलोड की गई एक प्रोफाइल पिक्चर सैकड़ों पोर्न वेबसाइटों पर घूमने लगेगी और इनके वायरल होने के चांस भी काफी ज्यादा होते हैं, खासकर व्हाट्सएप द्वारा। अगर कानून की बात करें तो इसको रोकने के लिए इंडिया में पर्टिकुलर कोई कानून नहीं है, पर IT स्टेट मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने IT रूल्स 2021 में इस तरह के कंटेंट को 36 घंटे में रिमूव करना मेंशन जरूर किया है। पर जिस तरह से सोशल मीडिया यूज किया जा रहा है जहां कोई भी पोस्ट महज आधा घंटे में पूरे देश में फैल सकती है, वहां 36 घंटे ज्यादा और बहुत ज्यादा है। ऐसे में आम जनता के पास एक ही रास्ता रह जाता है कि इसकी पहचान खुद करे, जिसकी बेहद जरूरत है क्योंकि कोई भी आपके साथ स्कैम कर सकता है और कोई भी राजनेता या अधिकारी आपके पास मौजूद वैलिड प्रूफ को डीप फेक बताकर आसानी से सच का खंडन कर सकता है, जैसा कि तमिलनाडु में DMK की सरकार के एक मिनिस्टर के केस में हुआ था। अगर किसी को पता है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है तो वो आसानी से इस डीप फेक का पता लगा सकता है और डीप फेक स्कैम से बच सकता है। डीप फेक में सिंथेटिक मीडिया का यूज करके किसी इमेज में बेहद बारीकी से बदलाव कर दिया जाता है। इसमें किसी की रिकॉर्डेड वॉइस की क्लोनिंग करना और किसी का फेस स्वैप करके डिजिटल अवतार बनाना भी शामिल है। इसे हम ऐसे समझते हैं, डीप फेक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जो दो चीजों से मिलकर बनी है, डीप लर्निंग और फेक। इसके लिए कई AI टूल्स जैसे 11 लैब्स, डिसेंबल AI, री स्पीचर और रिप्लिका स्टूडियो जैसे स्टार्टअप शामिल है जो टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू स्पीच टेक्निक पर काम करती है। इसके लिए स्कैमर्स को चाहिए बस उस आदमी के द्वारा बोली गई कुछ लाइन और उसकी पिक्चर। सबसे पहले किसी की आवाज का क्लोन बनाने के लिए दो तरीके यूज होते हैं, पहला है टेक्स्ट टू स्पीच। इस टेक्निक में सबसे पहले उस व्यक्ति की ओरिजिनल आवाज के ऑडियो को अपलोड किया जाता है, फिर उसकी आवाज में जो बात कहनी है वो टाइप किया जाता है और कुछ ही सेकंड में AI वो आवाज बनाकर दे देता है। दूसरा है स्पीच टू स्पीच। इस टेक्निक में स्कैमर अपनी आवाज में कोई स्पीच रिकॉर्ड करता है, फिर टूल के जरिए उस व्यक्ति की आवाज में कन्वर्ट करता है और फिर AI कुछ ही मिनटों में उस वॉइस से फेस लिपसिंग मैच करके दे देता है। ये टूल्स प्रैंक, एंटरटेनमेंट या कॉमर्शियल एड के लिए यूज होते हैं, लेकिन अब इनका यूज पॉलिटिकल पब्लिसिटी और किसी प्रोवोकेशन के लिए भी हो रहा है जिसके लिए फ्री से लेकर सैकड़ों हजारों लाखों रुपए तक खर्च होते हैं और किसी पॉलिटिकल मिशन के भारी बजट के सामने ये रकम कुछ भी नहीं। वैसे तो नंगी आंखों से डीपफेक वीडियो की सच्चाई का पता लगाना बेहद मुश्किल है, पर आप चाहें तो कुछ हद तक इसकी पहचान की जा सकती है। इसके लिए हमें ऑडियो और वीडियो दोनों को पहचानने की जरूरत है, लेकिन ऑडियो की जांच के लिए हम उतने तैयार नहीं है जितना कि वीडियो के लिए, क्योंकि नकली AI ऑडियो बनाना सबसे आसान काम है लेकिन इसका पता लगाना उतना ही मुश्किल। यही कारण था कि 2023 में फेक AI ऑडियो के काफी ज्यादा स्कैम और कंटेंट निकल कर आए। फेक ऑडियो में हेरा फेरी का पता लगाने के लिए आपको अक्सर उस व्यक्ति को जानने की जरूरत होती है कि वह किस तरह से बात करता है। ऐसे फर्जी ऑडियो में डबल ऑडियो और बैकग्राउंड में नॉइज, म्यूजिक और क्रॉस टॉकिंग को जोड़ दिया जाता है ताकि फर्जी ऑडियो की पहचान और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सके, इतना कि उसकी सच्चाई को उस व्यक्ति के नजदीकी दोस्त भी नहीं पहचान सके। जबकि फर्जी वीडियो में आप किसी हेरा फेरी को आसानी से देख सकते हैं, खासकर जब वो किसी सस्ते टूल से बनाया गया हो। टेक्स्ट टू वीडियो के लिए एक नया OpenAI टूल सोरा भी सामने आया है। इसके जरिए बिल्कुल असली लगने जैसा फर्जी वीडियो बनाना पॉसिबल है। इसलिए अगर किसी ऑडियो वीडियो में स्कैम, झूठ, डर, प्रोफेनिटी या वायलेंस के लिए उकसाने वाली शब्दावली का यूज हुआ है तो एक बार उसके फेक और रियल पर विचार जरूर करें। इस तरह के स्कैम से बचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इनसे बचे कैसे। इसलिए इनकी कुछ पहचान करने की कुछ ट्रिक्स हैं, जिससे सबसे पहला है कि अननोन नंबर से आए कॉल को इग्नोर करने की कोशिश करें, पर प्रैक्टिकली देखें तो ये करना इम्पॉसिबल है। दूसरा, डीप फेक वीडियो की लाइटिंग हमेशा डिम रखी जाती है ताकि सामने वाले को फेक इमेज की ज्यादा डिटेल नहीं दिखे। तीसरा है, इमेज पर अलग अलग स्किन टोन हो सकते हैं। अगर वीडियो कॉल आई है तो सामने वाले को गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने के लिए कहें, क्योंकि डीप फेक के ज्यादातर केस में सिर्फ सामने वाले चेहरे पर मास्क किया जाता है, साइड में नहीं, इसलिए गर्दन घुमाने पर साइड वाले पोर्शन पर ग्लिच आएगा। इसके अलावा सामने वाले को आपके चेहरे के सामने हाथ घुमाने के लिए कहें, अगर वो फेक है तो हाथ घुमाने पर चेहरा भी ग्लिच करेगा। फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस करें, कई विजुअल इनक्वालिटी देखने को मिल सकती है, जैसे शब्दों के साथ साथ चेहरे का एक्सप्रेशन या उसकी आवाज के हिसाब से उसकी लिपसिंग मिसमैच हो सकती है। पर यहां ध्यान देने वाली बात ये भी है कि कोई सस्पिशियस क्लिप भी वास्तव में असली हो सकती है, क्योंकि अननेचुरल साउंड वाली वॉइस पढ़ी गई स्क्रिप्ट का नतीजा भी हो सकता है, यानी किसी को मारपीट कर या धमका कर उससे जबरदस्ती
खुलवाने पर भी आवाज और एक्सप्रेशन डिफरेंट हो सकते हैं। मैकेफी की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के 70% लोग रियल वॉइस और एआई जनरेटेड वॉइस में अंतर पता नहीं कर सकते। इसलिए जिस तरह लोहे को लोहा काटता है, उसी तरह इसका पता करने के लिए भी एडवांस टेक्नोलॉजी टूल होने चाहिए जो दोनों में अंतर बता सके। इसके लिए मैकेफी ने प्रोजेक्ट मॉकिंगबर्ड के नाम से एक टूल लॉन्च किया है जो इनमें अंतर बता सकता है। और भी कई ऐसे टूल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसे 11 Labs AI स्पीच क्लासिफायर, ये भी एक अच्छा ऑडियो डीफेक्ट डिटेक्शन टूल है। ऑडियो की जांच करने के लिए आपको ऑडियो फाइल साइट पर अपलोड करनी होगी, लेकिन ये केवल 11 Labs टूल से बनाई गई क्लिप का ही पता लगा सकता है। अगला है प्लेस्टिक क्लासिफायर टूल, ये एक टेक्स्ट टू स्पीच स्टार्टअप है। इसमें भी आप उसी तरह ऑडियो फाइल अपलोड करके रिजल्ट देख सकते हैं। और फिर आता है AI और नोट टूल, ये भी एक फ्री टूल है जिसका आप यूज कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ पेड टूल्स भी हैं जो आपके डिवाइस में इंस्टॉल होते हैं, जैसे AI वॉइस डिटेक्टर, डक और रिसेंबल डिटेक्ट। ये ऑडियो को ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके वेरीफाइड करते हैं। इसके अलावा ये बैकग्राउंड म्यूजिक को हटाकर डिटेक्ट करने जैसे एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी देते हैं और 90% तक सटीक रिजल्ट लाने का दावा भी करते हैं। परंतु अभी फिलहाल इनकी प्राइस करीब $20 पर मंथ है। अगर आपको लगता है कि स्कैम बड़े लेवल पर है तो उनके लिए कुछ वेबसाइट है, जैसे विटनेस की डीपफेक रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स, रियलिटी डिफेंडर, locus.ai, रिच फ्यूचर, डीप मीडिया और sensity.ai जैसी वेबसाइट पर जाकर भी आप स्पेशलिस्ट की हेल्प भी ले सकते हैं। ये ऑनलाइन संगठन भी कई डीपफेक वीडियो का भंडाफोड़ कर चुके हैं। इनको लेकर YouTube भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है और अपने क्रिएटर्स के लिए अल्टर्ड कंटेंट का ऑप्शन लेकर आ चुका है, जिसमें वीडियो अपलोड करते टाइम क्रिएटर से पूछता है कि आपने वीडियो में किसी AI का यूज किया या नहीं। और YouTube व्यूवर्स किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सब चेक कर सकते हैं। YouTube की तरह आप भी अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके, क्योंकि डीपफेक की इस लड़ाई में हर एक किरदार की अपनी भूमिका है। डिपेंड करता है कि आपने कितना योगदान दिया। इस वीडियो में हमने एयरोस्टेस के प्रोफेशन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसमें उनके बारे में फैलाए गए झूठ और सच को आपके सामने रखा है। जाकर जरूर देखें।